हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेडमी की तरफ से दो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बजट मोबाइल्स, जो आपको मिलते हैं सिर्फ 6000 से 7000 रुपए की रेंज में। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, आपको पसंद है रेडमी का मोबाइल, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपके लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। तो एक तरफ है रेडमी का 7 है और दूसरी तरफ है रेडमी 6। पीछे की तरफ दोनों मोबाइल्स के बॉक्स पर आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ रेडमी 7A के बॉक्स पर रेट लिखा हुआ मिलता है 7000 का और 9000 का रेट लिखा हुआ मिलता है रेडमी 6 पे, लेकिन रेडमी 7A आपको मिल जाएगा सिर्फ 6000 में। चलिए देखते हैं, अगर आप रेडमी 7A पे खर्च करते हैं 6000 रुपये तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगा हुआ मिलता है सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल, इसी के ठीक नीचे आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। इस डेटा केबल की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है और लेंथ इसकी नॉर्मल है। इसके अलावा देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या रखा हुआ मिलता है। तो एक मिलता है इसके बाद चार्जर ब्लैक कलर के अंदर कुछ इस तरीके के लुक में, जिसके अंदर आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन इसमें आपको आउटपुट मिलता है 5W 1A का ही, तो ये थोड़ी सी कमी है। इसके अंदर आपको बैटरी के हिसाब से थोड़ा सा स्लो चार्जर मिलता है। तो ये सारा सामान तो आपको मिलता है 6000 में रेडमी 7A के साथ। चलिए देखते हैं, अगर आप 1000 रुपये और ज़्यादा खर्च करते हैं तो 7000 में रेडमी 6 के बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं रेडमी 6 को, इसमें सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ रखा हुआ मिलता है मोबाइल जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखे हुए मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल, एक मिलती है डेटा केबल। इस डेटा केबल की भी क्वालिटी आपको बिल्कुल वैसी ही मिलती है और लेंथ इसकी भी नॉर्मल है, तो दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको बिल्कुल एक जैसी ही डेटा केबल मिलती है। इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है ब्लैक कलर के अंदर चार्जर, जिसकी क्वालिटी आपको बिल्कुल वैसी ही मिलती है जो आपको रेडमी 7A के साथ मिलती है, और इसके अंदर भी आपको आउटपुट वही मिलता है 5W 1A का ही। तो ये इसके अंदर भी कमी है, रेट के हिसाब से काफ़ी स्लो चार्जर आपको मिलता है दोनों मोबाइल्स के साथ। अगर 5W 2A का आउटपुट रहता तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो ये सारा सामान आपको मिलता है 7000 में रेडमी 6 के बॉक्स में। तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको बिल्कुल एक जैसा ही सामान मिलता है, डेटा केबल भी सेम क्वालिटी में और चार्जर भी सेम क्वालिटी में। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ में रेडमी 7A ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका रेट 1000 रुपये कम है इस मोबाइल से। इसके अलावा इसके बॉक्स में भी आपको एक सिम इजेक्टर टूल लगा हुआ मिलता है कुछ इस तरीके के लुक में। चलिए बात कर लेते हैं आप सबसे मेन चीज़ मोबाइल के डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मिलता है। दोनों मोबाइल्स में ऊपर की तरफ आपको लेफ्ट साइड पर कैमरा मिलता है, रेडमी 7A में नीचे मिलती है कैमरे की फ्लैश लाइट और रेडमी 6 में कैमरे के बराबर में। स्पीकर आपको रेडमी 7A में नीचे की तरफ दिया गया है और रेडमी 6 में पीछे की तरफ बैक पैनल पर। इसके अलावा बात करें कैमरे के बारे में, तो रेडमी 7A में आपको पीछे एक कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इस मोबाइल के अंदर आपको रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रेडमी 6 में आपको पीछे दो कैमरे मिलते हैं, जिसमें पहला है 12 मेगापिक्सल का, दूसरा है 5 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इस मोबाइल के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया मिलती है रेडमी 7A से। इसके अलावा आप देख सकते हैं रेडमी 6 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जो रेडमी 7A के अंदर नहीं मिलता। बाकी चलिए कर लेते हैं दोनों ही मोबाइल्स को स्टार्ट में आपको दिखा देता हूँ किस मोबाइल के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा यूजर इंटरफेस मिलता है। उससे पहले बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 5.45 इंचेस की। तो इन दोनों में आपको जो डिस्प्ले साइज़ मिलता है वो बिल्कुल एक जैसे ही मिलता है, तकरीबन 5.5 इंच की डिस्प्ले आपको मिलती है। तो इस चीज़ में तो ये दोनों मोबाइल्स एक जैसे हैं, लेकिन जो डिस्प्ले क्वालिटी आपको मिलती है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है रेडमी 6 में। इसके अंदर आपको IPS डिस्प्ले मिलती है और रेडमी 7A में मिलती है TFT डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्वालिटी रेडमी 6 की ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा यूज़र इंटरफेस दोनों ही मोबाइल्स में आपको इस तरीके से मिलता है, आपको स्क्रीन पर ही सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। तो चलाने में तो ये दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। करीब से मैं आपको इन दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले दिखा देता हूँ। दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एजेस बेजल्स भी लगभग बराबर ही मिलते हैं और डिस्प्ले के अंदर जो आपको कलर्स मिलते हैं वो दोनों में ही अच्छे मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको और ज़्यादा अच्छे कलर्स मिलते हैं रेडमी 6 के डिस्प्ले में। इसके अलावा इन दोनों मोबाइल्स में आपको फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का मिलता है और दोनों में आपको कैमरे की परफॉर्मेंस नॉर्मल ही मिलती है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को, तो दोनों में आपको सिम की ट्रे मिलती है और अच्छी चीज़ यह है दोनों में आप दो सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट और माइक मिलता है। स्पीकर भी रेडमी 7A में नीचे ही दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में आपको वॉल्यूम के बटन्स मिलते हैं, उसी के ठीक नीचे आपको पावर का बटन मिलता है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो हेडफोन जैक और नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है।
अब दोनों में ये कमी है, इसके अंदर आपको IR ब्लास्टर नहीं मिलता जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो ये दोनों मोबाइल्स के अंदर कमी है। Redmi 7A में 6000 में आपको मिलती है 2GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज। Redmi 6 में मिलती है 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से आपको Redmi 7A के अंदर आपको मिलती है 23.5GB के आसपास और 24.5GB के आसपास मिलती है Redmi 6 में। तो 1GB आपको ज़्यादा मिलती है Redmi 6 के अंदर Redmi 7A से, और Redmi 6 में 1000 रुपये रेट ज़्यादा होने की वजह से 1GB रैम भी आपको ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा एंड्रॉइड का ओरियो वर्जन ओरियो 8.1 आपको मिलता है Redmi 6 में। अब इस चीज़ में Redmi 7A ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है एंड्रॉइड पाई। रीसेंट एप्लीकेशन की विंडोज़ आप देख सकते हैं, दोनों ही मोबाइल्स में थोड़ी छोटी विंडोज़ देखने को मिलती हैं, तो चलाने में तो दोनों मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे हैं। बात करें बैटरी के बारे में, तो Redmi 6 में आपको बैटरी मिलती है 3000mAh की और Redmi 7A में आपको बैटरी मिलती है 4000mAh की। ज़्यादा बढ़िया बैटरी बैकअप आपको Redmi 7A के अंदर मिलता है, बैटरी के अंदर Redmi 7A ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो MediaTek का P22 प्रोसेसर आपको मिलता है Redmi 6 के अंदर, और 7A के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 439 प्रोसेसर। तो प्रोसेसर दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको नॉर्मल ही मिलते हैं, ज़्यादा खास फर्क नहीं है। अगर आपका नॉर्मल यूज़ है तो इन दोनों ही मोबाइल्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं। देखिए रेट के अंदर तो सिर्फ 1000 रुपये का ही फर्क है, कुछ चीज़ों के अंदर आपको Redmi 7A ज़्यादा अच्छा मिलता है और कुछ चीज़ों के अंदर Redmi 6। तो ये आपकी ज़रूरत के ऊपर मैटर करता है, सबसे पहले कि आपकी मेन ज़रूरत की चीज़ किस मोबाइल के अंदर ज़्यादा बेटर है। तो देखिए अगर आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा चाहिए आपको इन दोनों मोबाइल्स में से कोई सा लेना है, तो आप Redmi 6 लीजिएगा। इसके अंदर आपको पीछे दो कैमरे मिलते हैं और कैमरे की परफॉर्मेंस इस मोबाइल के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो अच्छे कैमरे के लिए आप Redmi 6 लीजिएगा। बाकी अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के बैटरी की, आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, तो Redmi 7A के अंदर आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी मिलती है Redmi 6 से। इस मोबाइल में आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, तो अगर आपके लिए बैटरी बैकअप मैटर करता है तो आप Redmi 7A लीजिएगा। अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के प्रोसेसर की, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको नॉर्मल ही प्रोसेसर मिलते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के डिस्प्ले की, आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो इन दोनों मोबाइल्स में आप Redmi 6 लीजिएगा। इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर डिस्प्ले मिलती है। साइज़ के अंदर तो दोनों ही मोबाइल्स बराबर हैं। अब हर एक चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीज़ों के अंदर आपको Redmi 7 अच्छा मिलता है और कुछ चीज़ों में Redmi 6। कैमरे के लिए, डिस्प्ले क्वालिटी के लिए, इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए आप Redmi 6 लीजिएगा। बाकी अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए और अगर आपका बजट सिर्फ 6000 तक का ही है, आप इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, और आपको 32GB की इंटरनल स्टोरेज चाहिए, तो Redmi 7 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर भी अगर रेट के हिसाब से देखा जाए तो आपको इन दोनों मोबाइल्स में ज़्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं Redmi 6 में। मुझे इस मोबाइल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी Redmi 7A से। 1000 रुपये का फ़र्क होने की वजह से इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा बढ़िया मिल जाती हैं बैटरी को छोड़ के। तो मुझे इन दोनों मोबाइल्स में Redmi 6 ज़्यादा अच्छा लगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा पसंद आया। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।